मूविंग कोइल और सस्पेंडेड कोइल और डी आर्सनोवल टाइप गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कोइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, दो तरह का गैल्वेनोमीटर होता है। फर्स्ट है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर एंड सेकेंड है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। हमारे सिलेबस में केवल मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द मूविंग कोइल। LS यहाँ एक इस लेवलिंग स्क्रूज हैं। रेड है नॉर्थ पोल और S है साउथ पोल, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉर्थ और साउथ पोल का जो शेप होता है वो पैराबोलिक होता है। TNTS यहाँ टर्मिनल्स हैं। PQRS कोइल पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड किया गया है और PQRS के बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखा जाता है। कोइल के दूसरे एंड से जो कि एक हेयर स्प्रिंग है उसको पिवोट किया जाता है टर्मिनल TS से। कैपिटल M एक मिरर है जो कि PWB यानी फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से के ऊपर माउंटेड किया जाता है। जो मिरर है वो लाइट वेटेड होता है। टर्मिनल्स का कनेक्शन बैटरी से कर दिया जाता है। जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो कोइल PQRS के अंदर करंट फ्लो होता है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इस टॉर्क की वजह से फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के अंदर टॉर्शनल प्रोड्यूस हो जाता है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कोइल इज Tau = NIAB sin φ, where sin φ is the angle between the normal of the coil and magnetic field. Restoring torque in the coil, क्योंकि coil जब rotate होती है तो phosphor bronze wire के अंदर ऐंठन आ जाती है यानी torsion आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें restoring torque produce हो जाता है। रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है Tau = kα, वेर के इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट एंड अल्फा इज द एंगुलर ट्विस्ट इन दी वायर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों टॉर्क इक्वल हो जाता है। इट मीन्स NIAB sin φ = kα। देयरफॉर I = kA/NAB sin φ into α। द फैक्टर साइन फाई कैन बी एलिमिनेटेड बाय चूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो हम देखते हैं। हमने कहा था जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ये पैराबोलिक शेप के अंदर होते हैं और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एमिट होती है। इसीलिए जब कोइल को पैराबोलिक मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ही कोइल की सरफेस के पैरेलल हो जाती है। of the coil PQRS lies along the magnetic field lines of the force in which position of the coil comes to the rest in equilibrium. So the angle between the plane of the coil and the magnetic field is 0 degree, or the angle between the normal to the plane of the coil and the magnetic field is 90 degree. It means sin phi equals to sin 90 degree equals to 1 and I equals to K/NAB α. आपको पता है K कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है,
therefore I is directly proportional to the alpha, or I equals to g alpha, where g equals to k upon n a b is called galvanometer constant. वर्किंग समझने के लिए हम देखते हैं कि हम फॉस्फर ब्रोंज के सामने हम एक मीटर स्केल रख देते हैं, और जब लैंप से मीटर पर लाइट गिरती है तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर के सामने स्केल पर आ जाता है. जब ये मिरर घूमता है इधर उधर तो लाइट यहाँ से टकराती है और अलग अलग पोजीशन पर इसकी हमें वैल्यू मिलती जाती है. लैम्प से जो एंगल बन रहा है वो 2 अल्फा एंगल बन रहा है, और ये एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए टेन 2 अल्फा लैम्प और इनके बीच का जो सेपरेशन है, सपोज करो वो कैपिटल डी और इनके बीच का स्मॉल डी डिस्टेंस लेते हैं तो आ जाएगा डी बाय कैपिटल डी. Therefore, I is directly proportional to the alpha. जितना ज़्यादा twisted angle होगा उतने ही ज़्यादा इसके अंदर current produce होगी. अब बात करते हैं current sensitivity of the galvanometer. It is the deflection of the galvanometer per unit current. That is alpha upon I equals to Bn upon K equals to SI. और इसकी यूनिट हो जाएगी डिफ्लेक्शन पर एम्पियर. वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इट इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज अल्फा अपॉन वी इक्वल्स टू बी ए एन अपॉन के आर एंड इट इज डिनोटेड बाय एस वी. इट्स यूनिट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर. हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर एक लो रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है. गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय शंटिंग इट विद अ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस. जब पैरेलल में आपको पता है कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है. The potential difference across the galvanometer and shunt resistance are equal. अगर galvanometer में current Ig flow हो रही है तो shunt में से current होगी I minus Ig. Therefore, potential equals to V into IR. Hence, I minus Ig into S equals to Ig into G, और S equals to Ig into capital G upon I minus Ig. It is the shunt resistance. S की different value को choose कर हम different calibers के emitter को बना सकते हैं. Conversion of galvanometer into voltmeter. अगर galvanometer के series में high resistance connect कर दिया जाए तो हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बना सकते हैं. गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग इट विद अ वेरी हाई रेसिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन लोड रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हाई रेसिस्टेंस. Therefore, V equals to Ig capital G plus capital R, or R equals to V upon Ig minus capital G. Difference between ammeter and voltmeter. Ammeter is a low resistance instrument, जबकि voltmeter high resistance instrument होता है. Ammeter का रेसिस्टेंस होता है जी एस अपॉन जी प्लस एस, जबकि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस होता है जी प्लस आर. शंट रेसिस्टेंस है वो होता है जी इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और ये बहुत ही स्मॉल होता है, जबकि वोल्टमीटर
का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है और इसकी वैल्यू होती है वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है जबकि वोल्टमीटर को पैरेलल किया जाता है, क्योंकि एमीटर करंट मेजर करता है और करंट सीरीज में इक्वल रहती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसीलिए वोल्टमीटर कनेक्ट पैरेलल होता है। एमीटर का जो आइडियल रेसिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, जबकि वोल्टमीटर का आइडियल रेसिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होता है। एमीटर का रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से भी कम होता है, जबकि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस है वो हमेशा गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ द गिवन एमीटर, जबकि वोल्टमीटर की रेंज को हम डिक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।